हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार आप सबको। आज सेकंड पार्ट हिंदू लॉ का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, जो कि है सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, यानी कि हिंदू विधि के मुख्य स्रोत। यदि इस टॉपिक को देखा जाए तो हिंदू विधि के लिए ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि हर विधि के लिए इम्पोर्टेंट है। सोर्सेस क्यों इम्पोर्टेंट है या स्रोत क्यों इम्पोर्टेंट है कि किसी भी विधि का डेवलपमेंट किस प्रकार से आधुनिक युग तक, यानी कि एंशियंट से लेकर आधुनिक मॉडर्न युग तक कैसे ये डेवलप हुआ, इसलिए यह मुख्य स्रोत इम्पोर्टेंट है। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू लॉ, यू कैन से दैट फ्रॉम एंशियंट पीरियड टू मॉडर्न पीरियड। इसलिए अपने आप आपको पता चल जाएगा कि मुख्य स्रोत दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एंशियंट और एक मॉडर्न। हिंदी में क्या कह सकते हैं, प्राचीन या मूल, और मॉडर्न को आधुनिक या द्रुत। यदि इसको देखा जाए तो एंशियंट जो सोर्सेज हैं, वह चार प्रकार के एंशियंट सोर्सेज हैं। एक आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि इन जो चार सोर्सेज है एंड वर्बेटिम, इनको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप श्रुति लिखते हैं या फिर कस्टम लिखते हैं, इनको इनके पीरियड के अनुसार ही लिखना पड़ेगा। तो प्राचीन स्रोत, एंशियंट सोर्स ऑफ जो हिंदू लॉ है, वो पहला कौन सा है, श्रुति, श्रुति। दूसरा कौन सा है, स्मृति। तीसरा कौन सा है, डाइजेस्ट एंड कमेंटरीज। चौथा कौन सा है, कस्टम। यदि हिंदी देखें तो श्रुति, स्मृति, निबंध और टीकाएं, कस्टम यानी कि रूढ़ी। इनको अगर देखा जाए तो इनका एक काल आपको याद करना पड़ेगा। पहले ये देखते हैं कि श्रुति किसे कहते हैं। श्रुति यानी कि सुनना। किसने सुना, किसको सुना, वेद के रूप में श्रुति आई। वेदों के बारे में आपको पहले ही पता है कि भगवान से, गॉड से डायरेक्ट रिवीलेशन हुआ, डायरेक्ट जब कम्युनिकेशन हुआ। बड़े बड़े ऋषि जो थे, उनका जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया हुआ, तो उन्होंने जो कुछ सुना वह वेदों के रूप में हिंदू विधि में जब आया तो वह श्रुति के रूप में एक सोर्स है। वेद कितने प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और वेद काल कौन सा कहलाएगा, 4000 टू 1000 BC, यानी कि 4000 से 1000 ईसा पूर्व। इसे थोड़ा ध्यान रखें प्लीज, ये है बीसी, यानी कि अपन आगे चल रहे हैं इस मॉडर्न युग में, इसलिए ये घटता हुआ है बिफोर क्राइस्ट, 4000 से 1000 BC। स्मृति, स्मृति किसे कहेंगे, स्मृति यानी कि वही ऋषि, यदि उनके स्मृति पटल पर जो कुछ उन्होंने लिखा श्रुति के रूप में, वह तो वेद के रूप में आ गया, परंतु स्मृति पटल पर जो रह गया वह स्मृति के रूप में, स्मृतियों के रूप में यहाँ हिंदू विधि में सेकंड एंशियंट सोर्स कहलाया। स्मृतियां कितने प्रकार की हैं, मनुस्मृति, यागल स्मृति और नारद स्मृति। मैंने आपको पहले भी बता दिया ये 1000 BC है, तो ये मनुस्मृति, यागल स्मृति और नारद स्मृति। इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान रखें, ये है YAJNA, क्योंकि ज्ञ अपन नहीं लिख सकते, इसलिए कहलाएगा मनुस्मृति, यागल स्मृति और नारद स्मृति। यदि इनका काल देखा जाए तो ये कितना है, 200 BC। स्मृति तीन प्रकार की है, मनुस्मृति, यागल स्मृति और नारद स्मृति। 200 BC यानी कि 200 ईसा मसीह पूर्व यह आई। 30 यागल स्मृति का क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होना है उससे पूर्व ही, और नारद स्मृति 200 AD। अभी क्या चल रहा है, AD, यानी कि 20-20 के आगे आप क्या लिखते हैं, AD। इसलिए ये ध्यान रखें, ये तीन प्रकार की स्मृतियां हुई, मनुस्मृति, यागर स्मृति, नारद स्मृति। अगर स्मृतियों को और आगे देखा जाए तो स्मृति दो प्रकार की, दो विभाग, इसके दो विभाजन में हो सकती थी, एक था धर्म सूत्रास, दूसरा है धर्म शास्त्रास। धर्म सूत्रास मोस्टली, यानी कि ज्यादातर जो धर्म सूत्रास थे वह गद्य के रूप में, देवर इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। इसका सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ लें कि धर्म सूत्रास जो थे वह 800 से 200 BC, यहाँ क्या है,
श्रुति 4000 से 1000 और धर्म सूत्र नेक्स्ट ये स्मृति, तो ये 800 से 200 बीसी के बीच में धर्म सूत्रास आए। धर्म सूत्रास की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि धर्म सूत्रास में उन ऑथर्स का नाम है जिन्होंने इसको लिखा, यानी कि जिन साधुओं ने, जिन ऋषियों ने इनके बारे में, इस सूत्रास के बारे में बताया, धर्म के बारे में बताया, उनका नाम उन पर अंकित है। फॉर एग्जाम्पल दो धर्म सूत्रास आप पढ़ सकते हैं, गौतम और बोधगयना, यानी कि गौतम ने ही लिखा, गौतम ही इसका ऑथर था, और गौतम और फिर है बोधगयना। और भी कई हैं धर्मशास्त्र। सेकंड स्मृति जो है वह कौन सी है? धर्मशास्त्र। ये मुख्य रूप से पद्य के रूप में लिखी गई है। धर्मशास्त्र आर मोस्टली रिटन इन वर्ड्स फॉर्म, verse, वर्ड्स फॉर्म। लेकिन इसकी मुख्य बात क्या है? ये किसी अन्य ऋषियों के द्वारा बनाई, कंपाइल्ड की गई है और लिख किसी और के बारे में है। जो चीज अपने यहाँ पढ़ी, मनुस्मृति, याग्र स्मृति और नारद स्मृति, यानी मनुस्मृति, याग्र स्मृति और नारद स्मृति, कुछ ऐसे तीन साधु थे जिनके बारे में किसी अन्य ने लिखा, इसलिए क्या कहलाए? धर्म शास्त्रास। धर्म शास्त्रास कब से कब के बीच में है? 200 BC से 200 AD। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, स्मृतिस, स्मृतिस दो प्रकार की हुई, धर्म सूत्रास और धर्म शास्त्रास। धर्म सूत्रास किस रूप में हुए? गद्य के रूप में, 800 से 200 BC। और धर्म शास्त्रास कब से कब हुए? 200 BC से 200 AD के रूप। धर्म शास्त्रास का जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है कि धर्म शास्त्रास आचार, व्यवहार और प्रायश्चित के बारे में बताता है। ये ज्यादा आपको इसलिए नहीं लिखना क्योंकि ये जो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है, ये छोटे से क्वेश्चन के रूप में भी आता है, और अगर 7 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो ये चार्ट बनाने के बाद आपका कंपाइलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या कहा, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज थर्ड इसका सोर्स है। अब डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज किसको कहेंगे? निबंध और टीका। तो यदि आज बाई दीवे किसी व्यक्ति ने अपनी कोई बात कही या लिखी और उस पर किसी की जब टीका टिप्पणी हो जाती है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, तो उसे कहेंगे डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। तो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज किन के ऊपर होगी? बट नेचुरल स्मृतिस के ऊपर होगी, यानी कि मनुस्मृति, याग्र स्मृति या नारद स्मृति के बारे में किसी अन्य व्यक्ति ने जब अपनी बात कही तो उसे कहेंगे टीकाएं, निबंध और टीका। तो थर्ड आपका जो सोर्स है, मुख्य सोर्स प्राचीन, वह है निबंध और टीका। यहाँ फोर्थ सोर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदू विधि आप पढ़ रहे हैं, तो कस्टम, यानी कि ये जो प्राचीन सोर्स के रूप में रूढ़ियों को एक अलग से मान्यता दी गई है। इसका एक और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है और ये 7 नंबर का भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कस्टम की वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन जब इस युग में पढ़ रहे हैं हिंदू विधि, तो अपने पास अधिनियम आ गए हैं, लेकिन आज भी कहीं कहीं किन्हीं परिवारों में कस्टम को मान्यता दी गई है। तो किन कस्टम को मान्यता दी गई है, ये एक आपका बड़ा क्वेश्चन होना होता है। इसके लिए अलग से शॉर्ट नोट आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में समझा दिया जाएगा। मॉडर्न सोर्सेज यदि देखे जाए तो मॉडर्न सोर्सेज के 3 भाग है, 3 प्रकार के मॉडर्न सोर्सेज है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस। जस्टिस यानी कि न्याय, इक्विटी साम्य एवं सद्विधि, यह जो सोर्स है हिंदू विधि में ब्रिटिश काल से अपने पास आया, यानी कि हिंदू विधि में इंडियंस के पास, हिंदू विधि में ये कहां से आया? इंग्लैंड से, ब्रिटिश। जब यहाँ ब्रिटिशर्स राज करने आए तब उन्होंने ये देखा कि उन्हें विधि का ज्ञान नहीं है, तब उन्होंने इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्शियंस के अनुसार किसी भी जजमेंट को दिया। ये कब काम आता है? न्याय, साम्य एवं सद्विवेक। जब किसी व्यक्ति को विधि का ज्ञान नहीं हो, अब व्यक्ति यानी कि ब्रिटिशर्स के सामने ये प्रॉब्लम थी कि 2 पक्षकार आए और दोनों पक्षकार यदि ऐसे थे जिनके बारे में उन्हें किसी विधि के बारे में पता नहीं है, तो जज साहब क्या करेंगे कि न्याय करते समय
दोनों पक्षकार को समान सुना जाएगा और अपने विवेक के अनुसार न्याय दिया जाएगा। साम्य मतलब कि दोनों ही पक्षकार को समान रूप से देखते हुए न्याय करते वक्त अपने सद्विवेक के अनुसार जब न्याय दिया जाता है तब उस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है, इक्विटी जस्टिस एंड गुड कॉन्शियंस, एक सिद्धांत है। इस पर भी दो नंबर का कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, ये थोड़ा ध्यान रखें प्लीज, ये है पूर्व निर्णय। प्रेसिडेंट की स्पेलिंग थोड़ा सा इंग्लिश वाले देख लें प्लीज, PRECEDENT। इसका जो इंग्लिश में कई बार थर्ड ईयर में भी होता है, दोनों का डिफरेंस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, तो ये अंतर थोड़ा सा देख लें। दिस इज प्रेसिडेंट यानी कि पूर्व निर्णय। पूर्व निर्णय किनके, हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट के। इनका एक बाइंडिंग इफेक्ट अन्य जो अधीनस्थ न्यायालय है वह उनके अनुसार यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाएंगे वह बाधित होंगे अधीनस्थ न्यायालय में, वह उनके विरुद्ध अपनी कोई बात नहीं कर सकते। इसलिए पूर्व निर्णय को भी एक तरह से मॉडर्न सोर्स कहा जा सकता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन, ये एक हिंदू विधि का बहुत इंपॉर्टेंट है विधान। हिंदू विधि कोडिफाइड लॉ हो गया है क्योंकि हिंदू विधि में आपके पास सिलेबस में वैसे भी चार अधिनियम है, एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ लिख भी सकते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू अडॉप्शन एक्ट 1956, हिंदू गार्जियनशिप एक्ट एंड हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू मेंटेनेंस एक्ट और अन्य यानी कि हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट। इस तरह से अन्य जो भी विधि के रूप में इनैक्टमेंट के रूप में जो भी हिंदू लॉ में आया है वह लेजिस्लेशन के रूप में। सोर्सेस जो पढ़े, सोर्सेस इसलिए पढ़ना जरूरी है कि यह आवश्यक होता है कि कभी भी किसी विधि के ज्ञान के लिए यह आवश्यक है कि वह विधि के रूप में यहाँ तक कैसे आया, उसका विकास कैसे हुआ। इसलिए यह क्वेश्चन अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।